हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, वो देखो कहाँ से बना रही हूँ। ये है जिस रूम में हम रुके हुए हैं, मैं जिस रूम में स्टे कर रही हूँ, वो ये उस रूम का व्यू है। अब देखिए, और कैसे हैं आप लोग? तो वीडियो जो है वो यूं ही छोटी मोटी चिट चैट, जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ खास टॉपिक नहीं है, तो हम उन्हीं को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साथ ही बीच में थोड़ा सा आप लोगों को जो अभी करंट एनर्जी है उसका भी थोड़ा सा नॉलेज एंड ऑल, है ना। तो जो करंट में एनर्जी चल रही है, वो तो बहुत से लोग मुझे रिकन्फर्म कर रहे हैं कि बिल्कुल कार्मिक ट्रिगर्स जो हैं वो चल रहे हैं, चल ही रहे हैं। और पता है समटाइम्स क्या होता है आपको ना, मतलब आप पूछते हैं, किसी ने मुझसे पूछा है कि कार्मिक रिलीज कैसे होता है मैम, और क्या साइन होते हैं कि आपका कार्मिक रिलीज हो रहा है। तो पता क्या होता है आपको ना, आप एक अंदरूनी शांति में आ जाओगे, ठीक है। जब आपका कार्मिक रिलीज होगा ना, कर्मा रिलीज होगा, तो आप पाओगे कि उस जगह पे आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल एकदम सेटल डाउन हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल एकदम आपकी एनर्जी शांत हो चुकी है उस पर्सन के साथ। मुझे अपने ना बालों का बहुत रहता है, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं बाल ही बाल करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, हमेशा से मेरे बाल अच्छे थे, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो अच्छे दिखें, ठीक है। और हाँ, तो वो जो कार्मिक होगा ना, उसके साथ आप पूरी तरह से जो है शांति में आ जाओगे, यानी कि वहाँ पे फिर आपको ना कोई रिग्रेट रहेगा, ना डाउट रहेगा, ना किसी तरह का ग्रस्त रहेगा, ना कोई शिकायत रहेगी। इवन इस हद तक शांति आ जाती है कि उनकी अगर कोई पास्ट चीज़ आप याद करना भी चाहोगे, करते मतलब आपको बेसिकली जैसे पहले होता था ना कि कड़वी यादें आपको तंग करती होती थी, ठीक है, तो कड़वी यादें अब आपको तंग करना बंद कर देंगी, नहीं करेंगी अब आपको और ज़्यादा तंग। ये होता है कर्मा और कार्मिक रिलीज का मतलब। कर्मा और कार्मिक रिलीज का मतलब कुछ लोग बहुत गलत ले लेते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आपके वो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, या आप मीन्स बिल्कुल वो लोग आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि बहुत से लोगों के पेरेंट्स कार्मिक होते हैं, या बहुत से लोगों के भाई बहन कार्मिक होते हैं, तो वहाँ लाइफ से कहाँ चले जाएंगे, ठीक है। होता ये है कि आपके एनर्जीज उनके साथ जो है वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। लेकिन बस अच्छा लग रहा है तो बोल दिया, ठीक है। तो आप उनके साथ बिल्कुल एकदम शांत एनर्जीज में आ जाओगे, और आपको शांति फील होने लगेगी, और आप पाओगे कि उनकी एनर्जी भी आपके साथ बिल्कुल शांत हो गई है, ठीक है। आप पाओगे कि वो पहले जैसा बिहेव अब आपसे नहीं करते हैं, पहले जैसा आपसे छेड़खानी भी नहीं करेंगे, पहले जैसा आपको छेड़ेंगे भी नहीं, आपको परेशान भी नहीं करेंगे, आपके कामों में टांग भी नहीं अड़ाएंगे। बल्कि कुछ केसेस में तो मैंने देखा है कि यही लोग आगे चल के आपके मददगार, आपके जो है आपके लिए हेल्पफुल एनर्जीज हो जाती हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं ये फिर से मोटिवेट करने लग जाते हैं। ये तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। इवन आज ही मेरे पास जो एक सेशन था, उसमें यही था कि उनके हस्बैंड को सब कुछ पता है, और उनके हस्बैंड जो है वो खुद बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है उनको हर मामले में, और वो हस्बैंड जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा उनके कार्मिक थे, ठीक है। जब वो मुझे बता रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, और मुझे बहुत सरप्राइज भी हो रहा था कि अच्छा, मतलब जैसा वो अपने हस्बैंड के साथ वाला सिनेरियो बता रही थी कि उनको जैसे ट्विन फ्लेम्स के बारे में सब उन्होंने बता दिया है कि वो इस टाइप की, और वो अपने पर्सन के बारे में भी बता चुकी हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि और उनके हस्बैंड खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, और रियलाइज कर रहे हैं कि इट्स ओके, अगर तुम इस तरह की किसी चीज में हो तो मैं कर ही क्या सकता हूँ, मतलब मैं ठीक है। मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी कार्मिक एनर्जी ने भी सरेंडर कर दिया है उनकी जर्नी के आगे, ठीक है, डिवाइन विल के आगे। तो यहाँ पे आपको दो चीजें बहुत ध्यान देनी होती हैं। एक तो होती है अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, और सेकेंड होती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए, ठीक है।
कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ओवरथिंक मत करिए, क्योंकि जब आप ओवरथिंक कर रहे हैं ना, तो आप यानी कि यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, ठीक है, मैं ही हूँ जिसको कुछ करना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपका एक डिवाइन प्लान है, आपकी जर्नी उसी के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो डिवाइन प्लान को बिल्कुल एक्सेप्ट करिए आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में मानिए कि हर चीज़ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। अगर कोई चीज़ अभी आपकी लाइफ में है और बनी हुई है, मुझे पता है किस चीज़ ने हेल्प किया था, इसी सोच ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मुझे, क्योंकि